बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 4 जनवरी को है उन्हें जन्मदिन की हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके पैसे रुपए की आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, करियर में आप कोई बदलाव करेंगे और उस बदलाव से आपको बड़ा लाभ होगा। इस साल वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान शिव और मां पार्वती की अगर आप संयुक्त उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार बीमार रहते हैं, कभी सर्दी है, कभी जुकाम है, कभी पेट खराब है, कभी सर में चोट लग गई, कभी पैर में चोट लग गई, यानी माता पिता परेशान है, बच्चा ठीक ही ना होता। अगर आपका बच्चा लगातार बीमार रहता है, सेहत की मुश्किलों से जूझता रहता है तो क्या करेंगे, रोज सुबह ब्रश करने के बाद बच्चे को तुलसी के 2 पत्ते खिलाइए। बच्चा जहां भी सोता है, आपके साथ सोता है तो भी ठीक है, अपने कमरे में सोता है तो कमरे में हल्की सुगंध की व्यवस्था करिए, चंदन की खुशबू हो तो बहुत अच्छा होगा। एक मून स्टोन अपने बच्चे के गले में, 7-8 रत्ती का मून स्टोन चांदी के लॉकेट में बनवा करके बच्चे के गले में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहनाइएगा, आपके बच्चे को लाभ होगा। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, एक बात हमेशा जानिए कि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, यहां तक कि केवल हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, तो बिना भगवान राम के हनुमान जी की पूजा मत करिए। अगर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ने जा रहे हैं तो पहले भगवान राम को 1 मिनट के लिए स्मरण करिए, उसके बाद पढ़िए। आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, वहां भी भगवान राम को याद रखिए। याद रखिए, हनुमान जी की शक्ति का जो केंद्र है वो श्री राम है, इसलिए बिना श्री राम के हनुमान जी की पूजा करने से आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी।